बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पद्धति है और पार्टी उसी पद्धति पर काम करती है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। पार्टी की प्राथमिकता है कि हर कार्यकर्ता किसी न किसी काम में लगे हों और वह उस काम की पद्धति को समझे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के नाराजगी वाले मामले पर शर्मा ने कहा कि यह बात तो अरुण यादव ही कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में गोडसे वाले मामले पर अरुण यादव ने कुछ कहा था, उसी की खींच कमलनाथ निकाल रहे हैं। कमलनाथ के आखिर के 3 दिन वाले चुनाव हारने वाले बयान पर तंज कसते हुए बीडी शर्मा ने कहा कि आखिर कमलनाथ ने यह बात स्वीकार कर ली है कि उनकी हवाबाजी के चलते ही चुनाव हारते हैं। शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने विपक्ष को कभी कमजोर नहीं मानता। भाजपा अपने काम, अपने संगठन की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती है। जब कमलनाथ मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री थे तो वे हवा में थे। वे बल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर बैठकर सिर्फ हवाबाजी करते थे। उसका जवाब उन्हें जनता ने दे दिया है। नहीं नहीं, कम से कम कमलनाथ जी ने स्वीकार तो कर लिया। पहले दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि ईवीएम में कुछ हो रहा है, फिर कमलनाथ जी भी कहते थे कि ईवीएम के अंदर कुछ हो रहा है, तो उन्होंने ये तो मान लिया कि ये उनकी हवाबाजी के कारण से हार रहे हैं, ईवीएम के कारण से नहीं हार रहे हैं। इतना तो अपनी ही बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी हवाबाजी में क्या होता है नहीं होता है, हम किसी को कमजोर कभी मानते नहीं। हम कभी अपने विपक्ष को या कभी अपने प्रतिद्वंदी को हम कमजोर नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहता है। कोई भी चुनाव हम अपने काम के बल पर, कार्यकर्ता की मेहनत के बल पर और अपने संगठन तंत्र के आधार पर, गरीब कल्याण की योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम किया है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया है, उस बल पर हम चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे लोग यही कहेंगे कि क्या बहाना लिया जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारी अपनी पद्धति है, उस पद्धति पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना काम करती है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, उसको काम मिलना चाहिए, तो हमारा तो सिद्धांत है कि प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम उसको मिले। तो ये उसी प्रोसेस में सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और अन्य अन्य प्रकार के जो हमारे काम हैं, उन सारे कामों की दृष्टि से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां तय हुई हैं। और आगामी समय में भी कई प्रकार के और काम हैं जिन कामों के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए कि हर कार्यकर्ता किसी न किसी काम में लगाए, तो वो अपने उस काम की पद्धति को लेकर के ही हमारे काम का विभाजन हुआ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।